उल्टी, जी दौरा, जी घबराना, बार बार वॉमिटिंग जैसा फील होना, वॉमिटिंग हो जाना बार बार, क्या आप इससे परेशान हो गए? हर थोड़े थोड़े टाइम में हो जाती है, तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको घरेलू नुस्खे बताऊंगा, एक गुड़ से ही आपकी उल्टी जी दौरा की प्रॉब्लम रुक जाएगी। जी मचलना, घबराहट होना, बार बार उबकाई जैसे फील आना, उल्टी निकलना नहीं सिर्फ फील होना, किसी किसी के होती है, उसमें भी ये रामबाण काम करेगा। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा आप और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ये 5 मिनट का वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 50 लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नुस्खे आपको बताता रहूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं उल्टी जी दौरा आखिर होते क्यों है, हमें क्यों उबकाई आते हैं बार बार। रीजन नंबर 1, आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस का या एसिडिटी का सिक्रेशन होना। रीजन नंबर 2, फूड पॉइजनिंग होना। रीजन नंबर 3, पेट में कोई बीमारी या वायरस का ग्रोथ होना, उसका सिम्टम्स है ये नोजिया और वॉमिटिंग। और आजकल लोग का खान पान जैसे कुछ भी गए, फास्ट फूड खा लिया, 4-4 घंटे भूखे रह गए, उसके बाद एकदम खाना खा लिया, पेट में एसिडिटी बन रही है, खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, या फिर खाने में कोई गलत चीज आ गई है जो आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, आपकी और फूड की बनती नहीं है आपस में, और आपने वो चीज खा ली, तो इन सभी कारणों से आपको नोजिया, वॉमिटिंग, उबकाई आना, जी मचलना, ये सारी दिक्कतें होती है। आइए आपको अब इसका घरेलू इलाज बताता हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, केला। आपको केले खाने हैं, जब भी आपको लगे ना उल्टी बहुत ज्यादा हो रही है, मैंने कुछ गलत खा लिया, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, केले अपने ऐसा फूड है जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, इजी डाइजेस्ट होता है। आपके पेट में जो भी आपने गलत खाया ना, तो केले से क्या होगा, वो खुद भी डाइजेस्ट जल्दी होता है, और जो साथ में जिससे मिलेगा उसे भी बहुत जल्दी साथ में डाइजेस्ट कर देता है। अगला नुस्खा है, 1 चम्मच आपको अदरक लेनी है, 1 चम्मच आपको ऑनियन लेना है, और 1 चम्मच पानी, अच्छे से आप इसे घोल लीजिए। ये नुस्खा किन के लिए है, जिनको बार बार नोजिया होता है, मतलब उबकाई आती है, जी मचलता है, उल्टी में निकलता कुछ नहीं है, बस उबकाई आती है एनी टाइम, और खास करके जिनको सुबह के टाइम आता है चाय पीने के बाद, तो आपको इस 1 चम्मच का सेवन करना है अच्छे से सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। अगर आपके उल्टी जी दौरा की प्रॉब्लम बार बार हो रही है, मेडिसिन लेके टेम्पररी इलाज कर रहे हैं ना, 1 वीक ये चीज लेके देखिए, आपके फर्क दिख जाएगा। अगला नुस्खा है उन लोगों के लिए जिनको एसिडिटी, गैस बहुत ज्यादा होती है, खाना इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, कुछ भी खाएं उबका, जी दौरा आते रहता है, नोजिया, वॉमिटिंग जैसा फील होता है। 4 लौंग लेने हैं, 1 कप पानी लेना है, पानी को बाउल में डाल के गर्म करना है, बॉइल होने दे, जैसे ही वो थोड़ा बॉइल होने लगे 4 लौंग आप उसमें डाल दीजिए, उसे थोड़ा घुमाते रहिए, और उसमें कुछ भी मीठा डाल दीजिए, अगर आप हनी डाले ना 1/2 चम्मच तो बेस्ट है, अच्छे से उसको गोल के हल्का सा वार्म हो, उसे एकदम आप पी जाइए, और देखिए आपके पेट में एसिडिटी, गैस, कोई बैक्टीरिया, कुछ जमा हुआ पदार्थ भी है ना, तो आपकी एक बार डाइजेशन उससे ठीक हो जाएगा। अगर आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है ना, पाचन क्रिया बिगड़ी हुई है, तो उससे ठीक हो जाएगी, एक बार ये ट्राई करके देखिए। इसको दिन में आप 1 बार ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब एक लास्ट ट्रीटमेंट आपको और बताता हूँ, अगर देखिए आप टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज्यादा लेते हैं, आपको एकदम एंजाइटी का अटैक हुआ, जिसको माइग्रेन हेडेक ज्यादा रहता है उसको एकदम अटैक हुआ, तो उससे क्या होता है, उससे भी कई बार नोजिया, वॉमिटिंग की शिकायत होती है, और कई बार ऐसे पेशेंट को नॉनस्टॉप वॉमिटिंग आती रहती है, फिर थोड़ी देर ठीक होती है, फिर आती है, जी घबराने लगता है एकदम। उनको क्या करना है, 1 चम्मच अदरक का जूस लेना है, उसका जूस करना है या पेस्ट कर लीजिए, 1 चम्मच लेना है, 1 चम्मच लेना है नींबू, नींबू का जूस लिया आपने, दोनों को मिलाया, अच्छे से उसको मिलाइए। अब उसका टेस्ट आपको थोड़ा खराब लगेगा, उसके लिए मैं भी बताता हूँ, सेंधा नमक जो आता है बहुत अच्छा और गुणकारी होता है, 1 चिपटी वो डाल दीजिए उसके अंदर, उसको अच्छे से मिला के थोड़ा सा अंदर पानी डाल के, ताकि वो आप ले सके, अंदर जा सके, उसको मिलाया और आप पी लीजिए, इससे आपकी उल्टी में तुरंत आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन ये नुस्खा कब करना है, जब आपको नॉनस्टॉप उल्टी आ रही हो, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से उल्टी आ रही हो ना बहुत, उस टाइम ये नुस्खा आपको यूज करना। अब एक मैं लास्ट चीज बताना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो ट्रेवल करते टाइम उल्टी जी दौरा की प्रॉब्लम होती है, या कहीं आप घर से बाहर है, आपके लिए घरेलू नुस्खे पास में नहीं है, और आप चाहते हैं मैं मेडिकल से दवाइयाँ नहीं लेना चाहता यार, ले लेके परेशान हो गया, बॉडी में और रिएक्शन करती है, तो उनके लिए नुस्खा है, बहुत इजी है, इन्वेस्ट तो लगभग है ही नहीं। ये नुस्खा है, आपको लेनी है बस 1 इलायची, या फिर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं ना, तो 4 इलायची अपनी गाड़ी में, अपनी पॉकेट में, हमेशा पर्स में साथ रखिए। उसको क्या करना है, आके निगलना नहीं है, उसका सही तरीका क्या है, जैसे ही आपको नोजिया, वॉमिटिंग जैसा होना लगे,
उससे पहले ही आपको लग रहा है मैं सफ़र करूंगा, अब होने वाली है मेरे को, तो पहले ही जीभ के नीचे रख लें उसको, थोड़ा सा चबा के जीभ के नीचे रख लें। अब उसका रस क्या धीरे धीरे अपने सलाइवा में अंदर धीरे धीरे जाता रहेगा, तो नोज़ वॉमिटिंग हो उससे पहले ही आपको राहत मिल जाएगी। अगर हो रही है उसमें लें तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा ये चीज़। तो आप ईजिली आजमा सकते हैं, मेडिसिन लेते हैं ना बार बार, वो नहीं लेके एक बार ये चीज़ें ट्राई कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में आके लिखेंगे निखिल भाई यार लिटरली मज़ा आ गया, सब्सक्राइब करना तो बनता है, अब कर दीजिए ना सब्सक्राइब, फ्री है एकदम। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनको नोज़िया वॉमिटिंग ज़्यादा होती है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल आपका कोई डाउट हो देन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसके लिए वीडियो ले आऊँगा। जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.